हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? होपफुली सारे अच्छे होंगे। यहाँ पे दो तीन टॉपिक्स आज डिस्कस करने हैं। एक तो मेडिकल इंश्योरेंस, हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आ गई है, उसकी क्या डिमांड्स रहेंगी, क्या डिमांड्स रही हैं, क्या डिमांड्स यूनियन डिमांड कर रही है वो देखेंगे, व्हाट आर द डिमांड्स। उसके ऊपर जो ऑफिशियल सर्कुलर है वो यहाँ पे रिलीज हो गया है, एंड उसके बाद एक दो न्यूज़ और हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो भी न्यूज़ आती हैं पेंशन एंड बैंकिंग, तो यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस वी ट्राई टू डिस्कस अमंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं विद दी पहले सर्कुलर ही देखेंगे थोड़ा सा बड़ा क्विकली। सो यहाँ पे जो डिमांड्स अभी रखी हैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से, अभी जो डिमांड्स रखी गई हैं, सिक्स कॉन्फ्रेंस स्लोगन आपको पता ही है, पेंशन अपडेशन इज राइट और बैंक रिटायरीज। तो जेस्टरडे मैं एक वीडियो देख रहा था, शेयर ऑन सम पोस्ट, देर वॉज वन लेडी हु वॉज रिटायर्ड एज अ ऑन अ वेरी सीरियर ऑन अ वेरी सीनियर मोस्ट पोजिशन, वॉज रिसीविंग जस्ट 12,000 रुपीज़ अ पेंशन। तो वो देख के बड़ा खुद को बड़ी तकलीफ हुई भी, आफ्टर सर्विंग सो मैनी ईयर्स पर्सन इज गेटिंग 12,000। 12,000 से दोस्तों कुछ भी नहीं होता। उसके बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिन्यूअल ऑफ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसी का जो प्रीमियम है वो 73,000 है। 73,000 प्रीमियम अराउंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसी के चलते अभी जो एक डिमांड इन्होंने डाली है इन द पॉलिसी, दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज अ वेरी वाइटल इशू फॉर बैंक रिटायरी। सो लास्ट ईयर फ्रॉम AIBRF साइड वी सुजेस्टेड दैट द बैंक शुड गिव बेस पॉलिसी ऑफ से ₹2 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द रिटायरीज कवरिंग सम स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एक बेस पॉलिसी 2 लाख की तो होनी चाहिए। सो ईच रिटायरीज विल हैव सम बेस कवर टू फॉल बैक इन केस ऑफ नीड, एंड वी अंडरस्टैंड दैट यूनाइटेड फार्मा बैंकिंग यूनियन इज लार्जली इन एग्रीमेंट फॉर दिस कंसेप्ट। सो लास्ट ईयर वी अंडरस्टैंड दैट एक्सरसाइज रिक्वायर टू बी कैरिड आउट कुड नॉट बी कम्प्लीटेड फॉर वॉन्ट ऑफ टाइम एंड डेफर्ड फॉर नेक्स्ट रिन्यूअल। सो वी रिक्वेस्ट यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन टू टेक अप द इशू विद IBA ऑन अर्जेंट बेसिस सो दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एंड अप्रूव वेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट रिन्यूअल। ता जो नेक्स्ट रिन्यूअल से पहले पहले एक एटलीस्ट बेस पॉलिसी तो होनी चाहिए, ता जो हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं वो सारे कवरअप हो जाएं एटलीस्ट विद सम बेस पॉलिसी। तो यहाँ पे ये डिमांड काफ़ी अच्छी डिमांड है बाय ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन। सो रिन्यूअल ऑफ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो इनकी रिटायरमेंट की 23-24 की तैयारियाँ अभी चल रही हैं, काफ़ी सही लगा मुझे। एंड उसके बाद एक यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का छोटा सा काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है इन द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, काफ़ी अच्छा लगा। तो इसको अगर करना है तो कर लेना फ्रेंड्स। हाईएस्ट रिसीव्ड इन सम ऑफ द ग्रुप, सो आई थॉट टू शेयर अमंग दिस ओनली। सो उसके बाद आपको पता ही है जो प्रीमियम के रेट्स हैं फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज जो क्लेम रेशियो अब बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। बट फॉर द फोर्थ फॉर रिटायरीज पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपा स्टार्टेड चार्जिंग मच हायर प्रीमियम कंपेयर टू द जो एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी है, और जो एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी है वो यहाँ पे बैंक खुद से ही पे करता है। सो दिस इज़ द प्रेपरेशन बीइंग गोइंग ऑन फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24।